पता ही नहीं चल रहा है किधर से जाया जाए। बाइक अपने आप जा रही है, कई कई कई। लो जी हमारा टाइगर बढ़ चुका है बिल्कुल LOC की तरफ। इंटीरियर कश्मीर है ना, उसका किसी ने देखा नहीं था, किसी ने सुना नहीं था, उस टाइम हमने किया था। लो भाई फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ BOK, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। ओहो भयंकर, कहाँ जा रहे हैं भाई, खाई में? तो फाइनली अपना टैंक यानी कि टाइगर तैयार हो चुका है बॉर्डर के उस पार जाने के लिए। नहीं जी मजाक कर रहा हूँ मैं, LOC के पास जाएंगे जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, केरन सेक्टर। नाम सुना है कभी? जितनी भी इंफॉर्मेशन है केरन सेक्टर से रिलेटेड वो आपको इस वाले व्लॉग में देखने को मिल जाएंगी। व्लॉग को बिल्कुल भी बीच में स्किप मत करना, पूरा का पूरा व्लॉग देखना और अगला व्लॉग भी देखना, क्योंकि एक दिन मैं वहाँ पर रुकने वाला हूँ और सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। बाकी मैं रुका था अलहमरा, ये होटल है जस्ट डल लेक से 3 किलोमीटर आगे पड़ता है, मतलब उसी साइड पड़ता है। अगर आप गूगल मैप पर सर्च करोगे तो इजीली मिल जाएगा। बाकी स्टे बहुत बढ़िया रहा यहाँ का, नीट एंड क्लीन रूम्स रहे, यहाँ का जो खाना था सबसे बढ़िया, मतलब स्पेशलिटी वही रही। और स्पेशल थैंक्स मैं बोलूँगा यहाँ के शेफ़ को। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की राइड और निकलते हैं केरन सेक्टर। सबसे पहले मुझे निकालने पड़ेंगे भाई साहब मनी शनी, क्योंकि पैसा यार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, पेट्रोल भराने तक के पैसे नहीं है। कल मैंने ऑनलाइन पे किए थे, यहाँ पर तो नेट चल रहा है लेकिन केरन जाते ही शायद नेट बंद हो जाएगा, तो यहाँ से मनी शनी निकाल लेते हैं। बैंक कहाँ है, बैंक कहाँ है, ATM बोलना है, बोल रहा हूँ बैंक कहाँ है, बैंक कहाँ है, लूटना थोड़ी ना है। ये लिखा हुआ यहाँ पर आई लव श्रीनगर। कितना अच्छा लग रहा है यार लेक के साथ साथ राइड करने में, और इधर देखो फवारे चल रहे हैं। ओ फोड़ डाला और घुस जाओ भाई पिछवाड़े में। जल्दबाजी का नतीजा यही होता है। जगह जगह गाड़ियां खड़ी हुई हैं यहाँ पर बख्तरबंद। ओ भाई 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 ये देखो I-20 वाले को कैसे उड़ाते हुए गए हैं। यहाँ पे आके स्लो हो गया ना, अब भाग कहाँ भागेगा, बड़ी जल्दी थी। ये वाली जगह कितनी सही लग रही है, अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का, देखो बिल्डिंग्स देखो भाई साहब, बढ़िया बनी हुई है यहाँ की। कोपो टाउन में अपने जिब्रान भाई हैं तो उनसे मिलते हुए चलेंगे। और 2017 में जिब्रान भाई के साथ हमने किया था कश्मीर सफ़रनामा, जो कि एक बहुत ही अल्टीमेट सफ़रनामा रहा था। एक चीज़ अच्छी हो गई है कि मौसम बढ़िया हो गया है, मौसम खुल चुका है, नीला नीला आकाश नज़र आ रहा है अपने को, तो ऐसे में ना राइड करने में मज़ा भी आता है। वैसे मज़ा मुझे बारिश में भी आता है, क्योंकि भाई बारिश के अंदर चीज़ें अलग ही लेवल की होती हैं। लेकिन अभी क्या है, मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ का रास्ता मुझे पता नहीं है कैसा होगा, वाटर स्ट्रीम पड़ेंगे क्या होगा, क्योंकि मौसम जब ख़राब होता है ना भाई कुछ भी हो सकता है। और मैं अकेला हूँ तो थोड़ी सी तो कंसर्न रहती है कि भाई आप ऐसे इलाके में जा रहे हो जहाँ पर कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी कंसर्न ये भी है कि भाई मैं बड़ी बाइक पे हूँ, अगर छोटी बाइक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन मिडिल क्लास आदमी है। और शौक के चलते मैंने अपना ये टाइगर ले लिया, लेकिन इसको संभालने में थोड़ी सी टेन करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि भाई बहुत कॉस्टली पड़ती है इसकी मेंटेनेंस और राइड। लो जी हम पहुँच चुके हैं पट्टन, और ये पट्टन का शहर है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, इसके बाद आएगा शायद कुपवाड़ा। और पुरानी सी मार्केट है, ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादातर नई दुकानें बनी हो, कई सालों पुरानी मार्केट लग रही है मुझे। यहाँ क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया एक और लग रहा है। हेलो क्या हाल चाल, ठीक है आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और आपके व्लॉग्स देखते रहते हैं आप? अच्छा जी सर, यहाँ क्या रहे हो? मैं सोच रहा हूँ केरन जाऊँ। केरन शायद हम भी वहीं से, कुपवाड़ा से। अच्छा कुपवाड़ा से, हाँ अच्छा, उसकी परमिशन करालपुरा से मिलेगी? हाँ करालपुरा से मिलेगी, पुलिस स्टेशन ना, टाइगर तो बस लग रही है। थैंक यू। ओके तो ये लो जी हम पहुंच गए 0 माइल कैफे पे। हेलो जिब्रान भाई का है? ठीक है। हाँ हाँ फर्स्ट क्लास। बस जिब्रान भाई आ रहे। अच्छा लो भाई जिब्रान भाई से मिलो। हेलो गाइस हाउ आर यू, बहुत दिनों बाद। चाय पी लो, चाय पी लो। तो वही मैं पहुंचा था, देखो पीछे है 0 माइल्स कैफे, तो भाई का ही कैफे है, अंदर बैठ के ठंडा वगैरह मैंने पिया। बाकी अभी मैं निकल रहा हूँ करालपुरा, यहाँ से कितना करालपुरा जगह 30-35, तो वहाँ से बनेगी अपनी परमिशन, परमिट बनेगा,
तभी आगे जाने दिया जाएगा। फटाफट निकलते हैं, अच्छा लगा यार इतने सालों बाद मिलके। बाकी 2017 की यादें ताज़ा हो गई। 2017 में हमने ट्रिप किया था कश्मीर सफरनामा। जब कोई भाई साहब कश्मीर, मतलब कि जो इंटीरियर कश्मीर है ना, उसका किसी ने देखा नहीं था, किसी ने सुना नहीं था। उस टाइम हमने किया था, गुरेज किया था, टंगदार किया था, फिर टिटवाल किया था, तोसा मैदान भी किया था, तोसा मैदान, जी हाँ तोसा मैदान, फिर दूधपत्री, ये सारी चीजें हमने 2017 में करी थी। सोचो भाई साहब उस टाइम कितना मुश्किल होता होगा, अब तो काफ़ी आसान है क्योंकि जो आर्मी है अपनी वो बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट कर रही है। बाकी जिब्रान भाई ने यहाँ पर बहुत बढ़िया सा कैफ़े खोला है यार, पीछे देखो जीरो माइल्स कैफ़े, तो काफ़ी फेमस है और इन्होंने भाई 4-5 फ्रेंचाइजी खोल लिया है ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, थैंक यू सो मच भाई। पूरे सोपोर में नहीं, पूरे कश्मीर में फेमस हो गया, क्योंकि भाई अपना जो होता है ना कि बोलते हैं किसी ने बिल्कुल ग्राउंड से, ग्राउंड जीरो से जो शुरुआत करी और वो कहाँ तक पहुँचा है, मतलब अपना है ना। थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल भाई यार ये तो है, देखो आपने बहुत मेहनत करी है। बिल्कुल मेहनत तो करनी पड़ती है हर एक काम के लिए, जैसे आप मेहनत करते हो, मैं तो फैन हूँ भाई हमेशा से। मैं तो कहता हूँ कि आप इंडिया के बिगेस्ट कंटेंट क्रिएटर हो, क्योंकि जितना आप ट्रैवल करते हो करते हैं, आप वापस आ जाओ आप केरन से, तो इंशाल्लाह मैं आपको ले जाऊंगा कहीं एक अच्छी सी एडवेंचर करेंगे हम, नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बाद में ही बताएंगे। ये बोल रहे मेरी रील शेयर कर देना, रील के पैसे लेता हूँ मैं शेयर करने के। अच्छा मेरी कर दो। देख भाई अगर ट्रैवल की रील होती ना तो मैं शेयर कर देता, अब ये ठुमके लगाता लगता है मुझे। अच्छा, एक्टिंग करता क्या करता है, ठुमके लगाता है, गाने गाता है, गाने पे। अच्छा चलो डन, ओके बाय बाय, मिलते हैं। फुल कर दो यहाँ पे, वो चल जाएगा फोन पे, फोन पे भी हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। हम कश्मीर एक्स्ट्रा ले लो, कोई नहीं भाई अकेले, अब कोई और है अकेले। अरे भाई कलेजा क्यों, कश्मीर घूमने के लिए कलेजा चाहिए? अरे नहीं नहीं, अकेले घूमने। अच्छा अकेले घूमने के लिए चाहिए, यहाँ पे एक ही अनसेफ है क्या, बाकी जो भी है ना वो सेफ है। आपने गलत बात बोली, कश्मीर में खाली कश्मीरी अनसेफ है, बाकी सब नहीं। नहीं ऐसा कौन बोलता है, मैं बोलता हूँ कश्मीरी, आपको आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। इस भाई की बात सुन के ना दिल को पता नहीं अजीब सी फीलिंग आई कि अभी भाग जाऊं वापसी, लेकिन क्या है ना कि अपन थोड़ा सा हटेला है। वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा। लैंडस्केप देखो दोस्तों, दोनों साइड की कितनी खूबसूरत है, इधर खेती हो रखी है, इधर भी खेती हो रखी है, लग रहा है कि गेहूं की खेती है। ये पहुंच गया मैं कुपवाड़ा का मेन जो चौक है वहां पर। हेलो कैसे हो, बढ़िया कैसे चला रहे हो, इसके चार्जिंग सिस्टम क्या है आपके गोपो का? चार्जिंग होती है बस पावर बैंक से या फिर लाइट जहाँ पे मिलती है। पावर बैंक से? हाँ आपने भी लगा रखा है। बैकअप कितना है? बैकअप 2-3 बैटरी है मेरे पास इसी का। हाँ साउंड भी है ना? हाँ साउंड भी है, पूरा रिकॉर्ड होता है। यहाँ पर लगे हुए काफ़ी सारे इंडियन फ्लैग्स, ये देखो पूरी मार्केट में। ये जगह है ट्रिंगहम करके, ट्रिंगहम। वेलकम टू करालपुरा। इसमें क्या है, इसमें इसमें सामान है, जूते चप्पल कपड़े। अच्छा आपके लिए? हाँ तो और किसके लिए। नहीं नहीं मैं कहाँ बेचूंगा। ये सबसे बड़ा सवाल होता है, हर कोई पूछता है मुझसे कि क्या बेच रहे हो। यहाँ पे जो वैसे इसी तरह आते हैं ना, जो बेचते भी है ना। अच्छा हाँ इसी तरह आते हैं, डब्बे वब्बे लगा के, डब्बे लगा के, कोई गाड़ी में होता है कोई। अगली बार मैं भी कुछ ले आऊंगा फिर बेचने के लिए। हाँ मैं दिल्ली से, विजिट के लिए नहीं, मैं तो घूमने के लिए आया हूँ। लोग पूछते कि भाई क्या बेच रहे हो। ये पुलिस स्टेशन कहाँ है? पुलिस स्टेशन बढ़िया बढ़िया। कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ कहाँ जाना है? मुझे जाना है केरन, केरन टिटवाल, देखता हूँ जहाँ तक। हाँ हाँ तो पहले केरन जाऊँगा, तो परमिशन यहीं से मिलेगी? बिल्कुल यहीं से मिलेगी। अच्छा यहाँ पे फोटो स्टेट वगैरह कहाँ पर हो जाएगी? फिर आगे जाना पड़ेगा। तो भाई ये फॉर्म मिला है, इसको भरना है हमें, और इसमें लगेगी एक आधार कार्ड की कॉपी, और पुलिस स्टेशन में हो जाएगी जमा।
तो बन जाएगा अपना परमिट। तो ये शॉप है यहाँ पर कुछ एसटीडी की, दो शॉप थी, एक क्लोज थी एक खुली हुई थी, तो इस पे आ गया मैं। इसको भर लेते हैं। अच्छा, दो तीन फोटो स्टेट रखनी है, वो तो मैं फोटो भी खींच के रख लूँगा। A few minutes later. तो ये बन गई जी अपनी परमिशन, ठीक है। अब इसकी तीन चार कॉपी मैंने करा ली है, तो जहाँ जहाँ पर भी ज़रूरत होगी, जहाँ पे सबमिट करनी होगी, वहाँ पे सबमिट हो जाएगी। बढ़िया यार, बहुत ही इजी प्रोसेस है, 5 मिनट के अंदर ठप्पा मार के दे देंगे। करालपुरा से 45 किलोमीटर है और 2 घंटे 1 मिनट दिखा रहा है। तो यहाँ से रास्ता है जी केरन जाने का, सीधा टंगडार और टिटवाल निकल जाता है और राइट हैंड साइड केरन पड़ता है। ये आ गया। लो जी, हमारा टाइगर बढ़ चुका है बिल्कुल LOC की तरफ, पहुंचने वाला है। 1-1.5 घंटे में बिल्कुल बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। एक अलग ही फीलिंग होती है यार, बिल्कुल आप जब बॉर्डर पर पहुंचते हो ना, और स्पेशली जब पाकिस्तान यानी कि POK हो तो। इधर देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये पूरा पैडी फील्ड्स है उधर, और ये गांव है, बॉर्डर लाइन विलेजेस आप बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ से सिर्फ 30 किलोमीटर है भाई साहब बॉर्डर। और एप्पल देख रहे हो उसके ऊपर कितने सारे, नहीं नहीं ये एप्पल तो नहीं है, कुछ और ही है। वो देखो वहाँ पर टावर भी लगा है, सब चीज़ लगी हुई है, मुझे लग रहा है वहीं से होके गुजरना है मुझे। तो ये शुरू हो गई है फिरकियाँ गली, आई थिंक फिरकियाँ पास भी बोलते हैं। तो एक पास और हो जाएगा आज मेरा, फिरकियाँ पास, जैसे राजदान पास और जौजिला पास वाला ट्रैक है ना, उसी टाइप से बनाया हुआ है। देखो यहाँ पर टाइलें बिछाई हुई हैं। तो भैया बहुत तगड़े वाला सीन है यहाँ पर, जो बेस पड़ा ना यहाँ पर, मतलब जो आर्मी का पूरा एरिया था वहाँ पर, इतनी तगड़ी चेकिंग हुई है, एक एक चीज़ खुलवा खुलवा के देखा। आधा पूरा घंटा लग गया मेरा, लेकिन यार ठीक है, मतलब कुछ भी बंदा मतलब उल्टा सीधा कोई लेके जाएगा तो पकड़ ही लेंगे ये। तो ऐसी चीज़ कोई भी मत लेके आइएगा जो सेंसिटिव हो, जो भी चीज़ें हैं, चाहे ड्रोन हो, क्योंकि ड्रोन भी पूछ रहे थे मुझसे, तो मैंने तो बता दिया कि मेरे पास ड्रोन नहीं है, वो मैं छोड़ के आ गया श्रीनगर। बहुत सेंसिटिव एरिया है, पूरा बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ पर जगह जगह चप्पे चप्पे पे आर्मी हो और शायद मुझे देख भी रही हो कहीं से। तो पीछे आप देख पा रहे होंगे, देखो वेलकम टू फरकियाँ गली, और ये फरकियाँ पास भी बोला जाता है। ऊपर जहाँ पर चेकिंग वगैरह हुई सारी, वहाँ पर बोर्ड था फरकियाँ पास का, तो वो देखना साइड में आ रहा होगा स्क्रीन पर। तो वहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट करी कि इस बोर्ड की सिर्फ फ़ोटो मिल जाए, तो वो उन्होंने खींचने दी। तो बाकी धूप निकल आई है, मौसम ठीक हो गया है, फटाफट निकलते हैं यहाँ से केरन की तरफ। और केरन यहाँ से 22 किलोमीटर है, टाइम दिखा रहा है करीबन 1.5 घंटे के आसपास। मुझे लग रहा है रोड ख़राब होगा तभी दिखा रहा है, अदरवाइज़ तो भाई अभी तो मैं हिल गया था इतनी चेकिंग देख के। वो देखो नीचे जाना है उस रोड से, हाय साहब बिल्कुल नीचे, यहाँ से ऑफ रोड शुरू हो गया। ऊपर टाइलें लगी हुई थी, यहाँ पर रोड थोड़ा सा ख़राब है, फिसलन भरा है। आज का दिन ज़्यादातर बाइक पे ही गुजर गया, या तो परमिशन के लिए या फिर बाइक पर। अरे शुक्र है कुछ तो नज़र आया मैं बोल रहा हूँ कुछ तो नज़र आया। तो भाई अपन पहुँचे हैं पात्रा, एक जगह का नाम है, यहाँ पर है आर्मी की कैंटीन है, बेसिकली पहले आर्मी की होती होगी, अब तो जो टूरिस्ट आता है वो भी यहाँ पर रुकता है, चाय पानी वगैरह पीता है। और हमने देखो जी क्या मंगाया, ऑमलेट और एक ये है जूस। यहाँ से 22-23 किलोमीटर है केरन, तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 1 घंटा लगेगा, नहीं 22-23 नहीं 15 के आसपास होगा, 17-18। अच्छा कच्चा है, कैसा है जैसा अभी उतरा हूँ वहाँ से? उससे भी थोड़ा कच्चा, उससे भी ज्यादा खराब है। बाइक जाएगा? बाइक तो जाएगा, गाड़ी तो जाती है। अच्छा भाई साहब, चेक पोस्ट पे चेक पोस्ट, इतनी सारी चेक पोस्ट देख ली सुबह से मैंने। टाइम हो गया जी 4:35 और अभी 3 चेक पोस्ट और आनी है, अभी पता किया मैंने। टोटल 7 से 8 चेक पोस्ट है जहाँ पर कि आपकी चेकिंग होगी, सारी चीज़ें होंगी, परमिशन देखी जाएगी। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आगे का जो नज़ारा
अभी देखना। ओए होए 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 होए, दिस इज टू ब्यूटीफुल। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ के नज़ारे खूबसूरत हो जाते हैं, क्यों है ना? ये देखो, तो यहाँ से रास्ता बिल्कुल हो गया ख़राब, यानी कि ऑफ रोड शुरू हो गया है। ओ तेरी की, यहीं से बीच में से निकलेंगे हम, ख़तरनाक है बॉस, बहुत ज़्यादा ढलान है यहाँ तो। बारिश में ये रोड थोड़ा सा, थोड़ा नहीं काफ़ी ख़राब है, ख़तरनाक भी है, क्योंकि ढलान की वजह से ना बाइक एकदम से स्लिप खाती है। यहाँ पे मोड़ते हैं धीरे धीरे, अगर ऐसा ही रहा तो लग रहा है मुझे रात में पहुँचूंगा मैं। हाय साहब, ये तो ख़तरनाक है, और इस रास्ते पे मैं अकेला, किलोमीटर क्या है भाई ये? MPD, अच्छा MPD रोड है, कुछ रोड है ये या दूसरा कोई? एक्चुअली जितनी भारी बाइक होती है उतना ज़्यादा दिक्कत होती है ऐसी कंडीशंस में। चल DG, बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ तो, फंस गए क्या भाई? सामान भी फुल लोड है ना, तो ये पंगा है। निकल गया ऑलमोस्ट। जय माता दी। अकेले हैं तो क्या गम है, वो देखो नीचे नदी, उफान पर है अपने पूरे। भाई रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा बाइक स्लिप कर रही है यहाँ पर, अगर बाइक गिरी तो उठेगी भी नहीं जल्दी से। सारे पैनियर वैनियर सब निकालने पड़ जाएंगे उठाने के लिए। ओ भाई गई 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 गई, बच्ची 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 बच्ची। ये भाई रोक रहे हैं कुछ। अरे सर, क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हाँ हाँ फर्स्ट क्लास। गाड़ी आ गई, आगे ज्यादा खराब है, बाइक निकलेगी आराम से, मतलब इससे भी ज्यादा खराब है, मतलब ठीक ठाक है, ऐसा ही होगा ना। चलो आराम से, चलो सोपोर में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जिब्रान से मिलकर, जिब्रान से मिलकर आया हूँ मैं। चलो चलो ओके बाय बाय। पता ही नहीं चल रहा है किधर से जाया जाए, बाइक अपने आप जा रही है। गई गई गई, फक मैन, व्हाट इज दिस, कैसे निकलेगा मैं? निकलना तो पड़ेगा भाई, अब लेके आ गए हैं अपने टाइगर को तो जाएंगे तो सही, धीरे धीरे सही। पूरी ब्रेक भी दबा के चल रहा हूँ मैं। निकल गए, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, आगे पोस्ट है वहाँ पे दिखाना पड़ेगा फिर दोबारा से अपना परमिट। यहाँ से चढ़ेगी कैसे, मैं तो ये सोच रहा हूँ, उतर तो धीरे धीरे शायद जाए। उतर तो गई, ऑलमोस्ट डन, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब है ये वाला पार्ट। हो गया हो गया, हाँ थैंक यू। इधर ले लो, इधर जगह है, इधर जगह है यहाँ पे थोड़ी सी, नहीं उधर से गिर जाएगी। अरे यार बाइक भारी है ना, इसीलिए बोल रहा था मैं। ओहो भयंकर, कहाँ जा रहे हैं भाई, खाई में? ओ गई, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे चढ़ानी नहीं चाहिए थी ना। नहीं नहीं पकड़ के तो रखना है, हटो 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 हटो, चलो थैंक यू। ये अलग ही लेवल की ऑफ रोडिंग चल रही है, अगर सूखा होता ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे फिसलन है, रोड़े पत्थर आए हुए हैं, सब कुछ आया हुआ है। अबे क्या है ये जगह, क्या है? चल बेटा चढ़ जा टाइगर, धीरे बच गया भाई। मैं यहाँ से निकल तो रहा हूँ इतनी बड़ी बाइक को लेके,
लेकिन मुझे लगता है कि वापसी में बहुत दिक्कत होने वाली है। मुझे लग रहा है वो जो गांव देख रहे हो ना आप सामने भाई साहब, वो POK है। सो फाइनली मैं पहुंचने वाला हूं जी केरन सेक्टर। जी हाँ, केरन इंडियन साइड। इतनी मेहनत के बाद, इतनी मशक्कत के बाद, क्योंकि भाई रोड कंडीशन ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इस साइड की। नीचे क्या है, नीचे पुलिया है, समझ नहीं आ रहा। आगे चलते देखते हैं, गाड़ियाँ तो यहीं पर खड़ी हुई हैं ज़्यादातर, जो टैक्सीज वगैरह हैं। अब पता करना पड़ेगा भाई। हेलो जी भैया, पहुंच गए केरन, लास्ट चेक पोस्ट पे अपनी एंट्री हो गई। अब बता रहे हैं कि यहाँ पर नदी में आया हुआ है ज़्यादा पानी, जिसको कि आपको क्रॉस करना पड़ेगा। हेलो, केरन कहाँ पे है? इधर जाना है, इधर जाना है। हाँ, कैंप वगैरह कहाँ पे लगे हुए हैं? इस साइड है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं। अच्छा, ये गाँव है वैसे ही। लेट्स सी, भाई साहब ये तो नदी बह रही है, निकलेंगे कैसे अपन? किधर को जाना है पता ही नहीं चल रहा है। J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, केरन सेक्टर। रास्ता नहीं है, देखता हूँ पहले, जगह देखूँगा ना मैं। यहाँ से दिक्कत रहेगी ना? नहीं, मतलब ही नहीं निकल जाए। काम कर लो। कितनी दूरी है, दूर है यहाँ से कैंप साइड? बाइक मुझे यहीं कहीं पर छोड़नी पड़ेगी। ये है बिलाल भाई, जो कि सामान लेके जाएंगे हमारा, और बाइक स्कूल में लगा देते हैं। तो ये जो सामने आप पूरा देख रहे हैं भाई साहब, पहाड़ों के अंदर, मतलब कि बादलों के अंदर पूरा POK है। और ये वाली जो बिल्डिंग है, ये मुझे समझ नहीं आ रही है कहाँ की है। ये भी लग रहा है POK है, क्योंकि दरिया के उस पार बता रहे हैं कि POK है पूरा का पूरा, पाकिस्तान, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। लो भाई, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं POK। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, वो देखिए भाई साहब, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ना, सारी POK के अंदर है। और यार मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डेवलप लग रहा है वहाँ का एरिया। और जब इधर देख रहा हूँ तो देखो यहाँ पे टेंट है सिर्फ। वो जो पहाड़ आप देख रहे हैं सी, सारे के सारे, वो नीलम वैली कहते हैं उसको, उस साइड नीलम वैली है, इस साइड केरम बोलते हैं वैसे, पता नहीं ऐसे कुछ बता रहे थे। तो ऐसा सीन है।